जितिन भाई, ये जो पुरानी फाइलें आपने मंगवाई थी मैं ले आया हूं। इन पुरानी फाइलों में क्या क्या हिसाब भरे पड़े हैं ये तो आज मैं भी भूल गया हूं। आप क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताएं, शायद मुझे याद आ जाए। क्या नहीं पारेख, क्या नहीं, मैं किसे ढूंढ रहा हूं ये पूछो। इन पुरानी फाइलों के हिसाब, ये तो एक से शून्य तक के अंकों का ही खेल होता है, लेकिन उसमें से कई भूले हुए चेहरे उभरते हैं। जो चेहरे भूल जाने लायक समझे थे उन्हें फिर से याद करने का क्या मतलब? शायद उस वक्त हम उन चेहरों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हो, या फिर इस वक्त हम उनकी कीमत ज्यादा मानने लगे। जितिन भाई, उस आदमी ने उस समय भी मिताली की कोई मदद नहीं की थी। पारेख, तुम जानते हो मैं किसके बारे में सोच रहा हूं। इतने साल आपके साथ बिताए हैं, विमानी परिवार से लगा हुआ गया है। विमानी परिवार के बारे में सोचते सोचते मैं तो अपनी सोच खो चुका हूं। इतना भी नहीं समझूंगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ वही मिताली की मदद कर सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के पहले 10 क्रिमिनल लॉयर्स में से वो एक है। वो क्रिमिनल है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं था पारेख, हम पुलिस केस भी नहीं कर पाए थे, ये तुम जानते हो। मगर मिताली की नजर में वो गुनहगार साबित हो चुका था, इसलिए मिताली ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपका मुलाजिम हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग मुझे आपका बंदर कहते हैं। पिछले हफ्ते इकोनॉमिक रिव्यूज में एक कार्टून आया था आपके और मेरे बारे में, फिर भी मैं आपके साथ हूं सिर्फ मिताली की वजह से। उस लड़की ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, फिर भी आप उसके फैसले को गलत ठहराने की सोच रहे हैं। पारेख, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, हर कीमत पर। मेरी कीमत पर भी? यदि वो आदमी ऋषभ नाहर, जिसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया था, यदि वो यहां आ जाए तो मैं